हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट सिंपल इक्वेशन। दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर सेवेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोर इक्वेशंस। ओके, सो लेट अस प्रैक्टिस सॉल्विंग सम मोर इक्वेशंस। व्हाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोजिंग अ नंबर। ओके, अब तक हम क्या करते थे, जैसे कि 3n + 4 = 7 था, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर n चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देख पाए, देखिए, अगर ये 4 है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब यहाँ पर -4 किया, यहाँ पर -4 किया, तो आपको पता चल रहा है, देखिए +4 यहाँ पर जाके -4 हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली इस साइड से, अगर ये 4 आए यहाँ पर इस साइड पर जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, उसका साइन क्या होगा, यह हमें यहाँ पर समझ के लेना है। ओके, सो मूविंग इट फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, वी कैन ट्रांसपोज अ नंबर इंस्टेड ऑफ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड था कि हम दोनों साइड में ऐड करें, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करें, दोनों साइड में डिवाइड करें, देन मल्टीप्लाई करें। इंस्टेड ऑफ दैट, क्या हम यहाँ पर किसी वैल्यू को ट्रांसपोज कर सकते हैं अनदर साइड की तरफ? यस। तो यहाँ पर कैसे करना है, देखिए एक एग्जाम्पल है, तो 12p - 5 = 25। सो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, +5 - -5 कैंसिल हो गया एंड 25 यहाँ पर +5 हो गया। तो एडिंग करने मतलब देखिए -5 यहाँ पर जाके +5 हो रहा है। ओके, सो 12p = 30। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड 12, यहाँ पर देखिए 12 से डिवाइड किया, तो 30/12 मतलब 5/2 आ जाएगा। सो नोट, एडिंग 5 टू बोथ साइड्स इज द सेम एज चेंजिंग ऑफ साइड -5। मतलब -5 का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर +5 हो जाएगा रिवर्स। सो 12p - 5 = 25। अभी 12p एंड p का रिलेशन क्या है, यहाँ पर 12p मल्टीप्लाई बाय p होता है, तो अगर हम इसे चेंज करना है 12p, तो यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, तो ध्यान रखना है, अगर ये प्लस है तो उस साइड पे जाके निगेटिव होगा, निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, एंड देन डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो चेंजिंग साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। व्हाइल ट्रांसपोजिंग अ नंबर वी चेंज इट साइन, हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर LHS देखिए, 12 × 5/2 - 5, यहाँ पर आंसर 25 आ रहा है, जो RHS से इक्वल है, तो यहाँ पर ही हमारी मेथड सही होगी। ओके, सो एज वी सीन, व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशन आर कॉमनली यूज ऑपरेशन इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ट्रांसपोजिंग अ नंबर दैट इज चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर इज द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स इन एडिंग। सो द साइन ऑफ द नंबर हैज टू बी चेंज। वॉट अप्लाइज टू नंबर्स ऑल्सो अप्लाइज टू एक्सप्रेशंस। लेट अस टेक टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपोजिंग। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उसमें से फर्स्ट वन यहाँ पर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, जैसे कि 3p - 10 = 5 है। अभी हम क्या करते हैं, ऐड 10 टू बोथ साइड, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -10 को कैंसिल करना है, तो हम 10 को ऐड करते हैं दोनों साइड की तरफ, तो ये +10 - -10 कैंसिल हुआ, तो 3p = 12 बचा, 15 बचा, 5 + 10। देन यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, दोनों साइड की तरफ 3 को डिवाइड करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ दैट देखिए यहाँ पर ट्रांसपोजिंग में ट्रांसपोज -10 को हम यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं LHS टू RHS। ऑन ट्रांसपोजिंग -10 बिकम्स +10, सो दैट्स वाई 3p = 5 + 10 और 3p = 15 हमारा आंसर हुआ। उसी तरीके से 5x + 12 = 27, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पर 12 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट किया, तो 5x = 15 आ गया। बट व्हेन वी ट्रांसपोजिंग, 5x + 12 है तो यहाँ पर इसे ट्रांसपोज किया, तो स्टूडेंट्स ऑन ट्रांसपोजिंग +2 + 12 becomes -12, सो दैट्स वाई 5x = 27 - 12, तो आंसर बनता है 5x = 15। सो वी शैल नाउ सॉल्व टू मोर इक्वेशंस। एज यू कैन सी, दे इन्वॉल्व ब्रैकेट्स विच हैव टू बी सॉल्व बिफोर प्रीसीडिंग। तो एग्जाम्पल देखिए, अपर फर्स्ट 4m + 3 = 18, तो स्टूडेंट्स 4m + 3 = 18, तो यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट भूलना नहीं है, वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हमने लॉ देखा था, प्रॉपर्टी देखी थी, आप यहाँ पर उससे सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये जो 4 है यहाँ पर 4 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई टू m + 3 है,
इज इक्वल टू 18 है, तो फर्स्ट आप 4 को यहाँ पर इस साइड पे लेके आएंगे, मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, 4m प्लस 4 थ्री 12 इज इक्वल टू 18 हमारा हो जाता है इक्वेशन। हमने क्या किया, 4 से पूरे ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई किया। सो लेट अस डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, दिस विल रिमूव द ब्रैकेट्स इन द LHS वी गेट। देखिए यहाँ पर m प्लस 3 18 बाय 4, तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, और m इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 माइनस 3 ट्रांसपोजिंग 3 टू द RHS, और m इज इक्वल टू 3 बाय 2 रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो LHS देखिए यहाँ पर हम अगर वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर 18 ही आता है, तो मतलब जो इक्वल टू RHS से है, तो यहाँ पर जो मेथड हमने यूज किया था वो क्या थी, यहाँ पर सही थी। ओके आप यहाँ पर ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए, देन आफ्टर दैट उसे आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए b माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 का आंसर देखिए, वी डिवाइड बोथ साइड बाय पहले माइनस 2, सो टू रिमूव द ब्रैकेट्स इन द LHS वी गेट x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 2, और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8, 2 1 जा 2 2 जा देन 2 3 जा 2 4 जा 8 होता है। सो दैट्स वाई x इज इक्वल टू प्लस 3 को यहाँ पर ट्रांसफर किया तो माइनस 3 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, और x इज इक्वल टू माइनस 7 रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो चेक करने के लिए LHS इज इक्वल टू माइनस 2 इन ब्रैकेट माइनस 7 प्लस 3, यहाँ पर माइनस 2 इन ब्रैकेट माइनस 4 होगा, सो इसका आंसर 8 ही आता है जो यहाँ पर RHS से इक्वल है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम सोल्यूशन टू इक्वेशन देखिए, अतुल ऑलवेज थिंक्स डिफरेंटली, ही लुक्स एट सक्सेसिव स्टेप्स दैट वन टेक्स टू सॉल्व एन इक्वेशन, ही वंडर्स व्हाई नॉट फॉलो द रिवर्स पाथ। आप यहाँ पर रिवर्स पाथ क्यों नहीं फॉलो कर सकते, इक्वेशन यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा है, तो क्या आप सोल्यूशन से इक्वेशन यहाँ पर बना सकते हैं रिवर्स पाथ में। सो ही फॉलोज द पाथ गिवन बिलो, देखिए स्टार्ट विथ एक्स इज इक्वल टू 5, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस इज इक्वल टू 20 आ गया। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, जैसे हम यहाँ पर इससे रिवर्स में आते हैं, सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, मैंने यहाँ पर 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 17, 20 माइनस 3 17 होता है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं ऐड 3 टू द बोथ साइड। सो दिस हैज रिजल्टेड इन एन इक्वेशन इफ वी फॉलो द रिवर्स पाथ विद ईच स्टेप एज शोन ऑन द राइट वी गेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देन हितल फील्स इंटरेस्टेड, शी स्टार्ट्स विद द सेम फर्स्ट स्टेप एंड बिल्ड्स अप अनदर इक्वेशन। उसने अनदर इक्वेशन बनाया, तो x इज इक्वल टू 5 है तो उसने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू 15 बना, एंड उसने अगेन 4 ऐड किया तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 19 बना। तो स्टार्ट विथ y इज इक्वल टू 4 एंड मेक अ टू डिफरेंट इक्वेशन, आस्क 3 ऑफ योर फ्रेंड्स टू डू द सेम एंड आर देयर इक्वेशन डिफरेंट फ्रॉम yours? यस डिफरेंट ही आ जाएंगे, अगर हर अगर यहाँ पर आपका जो फ्रेंड है वो अलग की हर एक की सोच अलग होती है तो इक्वेशन आपका डिफरेंट डिफरेंट ही बनेगा, बट सभी का एक सोल्यूशन जो है यहाँ पर सेम ही आएगा। सो स्टूडेंट देखिए, इट इज़ नॉट नाइस दैट नॉट ओनली कैन यू सॉल्व एन इक्वेशन बट यू कैन मेक इक्वेशन अल्सो। सो फर्दर डिड यू नोटिस दैट गिवन एन इक्वेशन यू गेट वन सोल्यूशन, बट गिवन अ सोल्यूशन यू कैन मेक मेनी इक्वेशंस। नाउ सारा वॉन्ट्स द क्लास टू नो दैट, देखिए यहाँ पर वॉट शी इज थिंकिंग, शी से आई शैल टेक हितल्स इक्वेशन एंड पुट इन टू अ स्टेटमेंट फॉर्म एंड दैट मेक्स अ पजल। फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड एड 4 टू द प्रोडक्ट, टेल मी द सम ऑफ यू गेट। सो इफ यू सम इज 19, द इक्वेशन हितल गॉट विल गिव अस द सोल्यूशन टू द पजल। इन फैक्ट वी नो इट इज अ 5 बिकॉज हितल स्टार्टेड विथ इट। So she turned to Appu, Amina and Sarita to check whether they made their puzzles this way. All three say yes. So we now know how to create number puzzles and many other similar problems. तो students, इसके साथ ही हमारा आज का lecture यहाँ पर ही end करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने learn किया transpose method, okay? ट्रांसपोज मेथड को हमने आज लर्न किया है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस टाइप क्वेश्चन के, मतलब इक्वेशन सॉल्व करने की। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इक्वल साइन के आगे जाके ये क्या होता है, LHS से RHS में जाके निगेटिव होता है, निगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड होगा, एंड डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, वाइस वर्सा। RHS से अगर हमें यहाँ पर लेके आना है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ओके तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।